फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बिल्कुल सुबह से, और अभी चलते हैं किचन में। आज मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है, मकर संक्रांति के दिन हमारे नॉर्थ इंडिया में बनती है खिचड़ी। सभी घरों में आपको मिलेगा, जहां भी आप जाओगे ना नॉर्थ इंडिया में, तो आपको खिचड़ी ही खाने को मिलेगी, क्योंकि इस उपलक्ष्य में सभी खिचड़ी का पकवान बनाते हैं। तो मैं भी आज वही तैयारी कर रही हूँ। नॉर्थ इंडिया के हैं तो भाई खिचड़ी तो बनाएंगे। तो चलती हूँ किचन। सभी नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है मकर संक्रांति, तो आज हम बनाएंगे खिचड़ी। उसके लिए एक कटोरी मैंने माँ की दाल की डाल दी है, और एक कटोरी डालूंगी रोंगी की। बाकी इसकी भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, एक कटोरी मैंने इसमें डाल दी है रोंगी की। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी 2-2.5 गिलास, और इनको बॉईल करने के लिए गैस पर रख दूंगी। माँ की एक कटोरी रोंगी की मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको धो लूंगी और फिर 2.5 गिलास पानी के डाल के गैस पे रख दूंगी। भी बन गई है। मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि खिचड़ी के पहले मैंने एक दो वीडियो डाल रखी है। अगर आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो खिचड़ी मैंने बिल्कुल बना दी है। खिचड़ी दाल बॉइल्ड करने डाली थी, और उसके बाद जब दाल अच्छे से बॉइल्ड हो गई तो कुकर को ठंडा होने दिया। फिर उसमें चावल डाल दिए जितनी आपको बनानी है उस क्वांटिटी के हिसाब से, और फिर नमक, हल्दी और अदरक। अगर मकर संक्रांति के दिन बना रहे हैं तो मैं इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ। अदरक और धनिया मैंने डाल दिया है, वरना आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी खाने में लगती है। फ्रेंड्स, अभी बन रही है मक्की की रोटी, और ये है सरसों का साग, साथ में खिचड़ी, क्योंकि आज है मकर संक्रांति तो खिचड़ी तो बनेगी ना लोहड़ी के बाद। और मक्की की रोटियां बन रही है गर्मा गर्म। अब क्या क्या खाएंगे इनको पूछते हैं। जो मर्जी खिलाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं। बना दिया मैं सब। आप कैसे बनाते हैं मक्की की रोटी? हम तो पानी लगाते हैं, पानी वाली रोटी बनती है हमारे यहाँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को दे दी है खिचड़ी खाने को, और ये टीवी देखने में मस्त है। जल्दी खाओ, ठंडी नहीं करते हैं इसको, ठीक है? हाँ, गर्मा गर्म खाते हैं। लीजिए, अभी है शाम का टाइम, और शाम के टाइम को हम आ गए हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तो पंजाब के लोग भी हैं, तो ये लोहड़ी और मकर संक्रांति आपको पता ही है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। खूब इंजॉय इस दिन इनका चलता है। जो गुरुद्वारे के बाबा जी हैं, उन्होंने बोला था कि मंदिर में हम इस दिन बनाएंगे सरसों का साग, मक्की की रोटी, दाल खीर वगैरह। तो वहीं प्रोग्राम चले हुआ था, और लोग और सभी मिलके थोड़ी हेल्प भी कर रहे थे जो फ्री थे। तो अभी सब गए हुए हैं वहाँ पे हेल्प करवाने। कुछ मक्की की रोटियाँ बना रहे हैं, कुछ सेक रहे हैं, कुछ सब दाल साग वगैरह को तड़का लगा रहे हैं। और आज यही काम यहाँ पे चला हुआ है, और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। हम यहाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं रोटी, सरसों का साग। आज हमारे विरोध कर रहे हैं संक्रांति। ये तो आप ही की तरह कविता है, हमें याद है, हमें याद है दीदी स्कूल में पकड़ करवाते स्कूल में नहीं है। हाँ, मेरी रोटी भी पकनी चाहिए। सब बना रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने डिनर कर लिया है, आशु सो गया है, और मैं और अनुज लगे हैं अपने अपने काम में। और अनुज कर रहे हैं अपना काम ऑफिस का, और मैं लगी हूँ अर्श के स्कूल के काम में, एनरिचमेंट असाइनमेंट है इनके बनाने को। तो इसमें कॉइन्स और नोट्स पेस्ट करने हैं कॉपी पे। होएगी नहीं कटिंग, तो कर देगा आराम से, लेकिन ये प्रिंट आउट निकाले थे तो नोट बिल्कुल ऐसे थे साथ साथ में, तो थोड़ा कट सकते थे, तो मैंने बोला मैं ही काट देती हूँ। तो बस अभी उसी काम में लगी हूँ, कॉइन्स काट रही हूँ। 2 काट लिए हैं, 3 और काटने हैं, और फिर इस पेज पे करने हैं पेस्ट। तो बाकी अरेंजमेंट इनकी हो गई है सबमिट, सिर्फ मैथ की रह गई है। तो इस काम को भी अब हम कर ही लेते हैं फटाफट से। कल तो इसको छुट्टी है मकर संक्रांति की, फिर भी कर लेते हैं। 16 को सबमिट होगी।
अब क्योंकि इसको छुट्टी है कल मकर संक्रांत की, आप सोच रहे होंगे पहले तो ब्लॉग में आज ही मकर संक्रांत सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ वैसे आपको पता ही है अब हर फेस्टिवल जो है ना वो दो दो आते हैं, दो दो, जन्माष्टमी टू, लोहड़ी टू, जन्माष्टमी टू, मकर संक्रांत टू, क्योंकि जन्माष्टमी का भी ऐसा ही होता है, होली भी दो दो, ये भी, और कईयों ने 13 को मना ली है, 14 को मकर संक्रांत मना ली, और कईयों ने 14 को मना रहे हैं और 15 को मकर संक्रांत। हर फेस्टिवल का वैसा ही हो गया है, दो 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 दो, अब पता नहीं कौन सा सही है। कुछ इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं देसी कैलेंडर, अब कौन से सही है, जैसे घर वाले बोलते हैं कि आज ही हम उसी रूटीन से अपना लेते हैं, लेकिन रांची में भी आज ही मनाई जा रही है मकर संक्रांत, और हिमाचल पंजाब में भी, और कई जगह जो है लोग कल मनाएंगे, और वैसे इनको छुट्टी जो है वो कल की ही दी है मकर संक्रांत की। तो अभी मैं फटाफट से इसका काम कर सकती हूँ। लीजिए, इसकी मैथ की इनरिचमेंट नोट्स और कॉइन की असाइनमेंट भी मैंने बना दी है, जिसमें 5 डिफरेंट नोट एंड 5 डिफरेंट कॉइन्स पेस्ट करने थे, लेकिन कॉइन्स में मुझे 4 ही मिले, 5 का मेरे पास एक अलग कॉइन नहीं था। देखती हूँ अगर कहीं 20 या कुछ मिलेगा तो वो यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ऐसे मेरे पास अभी यही 4 थे, और 20 का तो शायद कॉइन नहीं होता है, 1, 2, 5, 10 यही होते हैं। अब 5 का समझ नहीं आ रही है कौन सा लाऊं। हाँ 50 पैसे होते हैं, चलो देखती हूँ जो भी मिलेगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अभी मैंने फिलहाल कर दिया है पेस्ट, और इसकी असाइनमेंट हो गई है कंप्लीट, और ये थी ईवीएस की जो चेक हो चुकी है, मैम ने वापस कर दी है, जिसमें फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, आजकल बच्चों का ऐसा ना कटिंग पेस्टिंग का बहुत चलता है, प्रोजेक्ट बनाओ, हमारे टाइम में इतना सब नहीं होता था फर्स्ट सेकंड क्लास में। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं नाइट के 10, और मेरा भी काम कंप्लीट हो चुका है, और मुझे अभी सोना है क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। इस तो आज हमने मकर संक्रांत जी थी, मकर संक्रांत का फेस्टिवल था वो भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, लोहड़ी भी हमने रात को अच्छे से सेलिब्रेट कर ली थी, बहुत अच्छा लगा। और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन बहुत खुशी से हर्षोल्लास के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए, तभी अच्छा सालों याद रखने चाहिए, हर दिन हमें ऐसा जीना चाहिए कि हम उसे सालों याद रखें। पर चलो जो भी है, हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की उसे अच्छे से सेलिब्रेट करने की। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।